धमतरी जिला में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल डीआरजी की टीम को गरियाबंद जिले के सरहदी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने सरहदी इलाके के पेंड्रा गांव में संयुक्त सर्चिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान ही पुलिस जवानों पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग किया, जिसके चलते दोनों ओर करीब 88 राउंड फायरिंग हुई, जिस पर नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ क्षेत्र छोटे गोबरा एवं पेंड्रा के जंगल में कई फीट गहरा गड्ढा खोदकर स्टील के डब्बे में डंप की गई सामग्री बरामद की। साथ ही स्टील डिब्बे के अंदर से 2000 नोट के 6 बंडल, 500 नोट के 52 बंडल, कुल 38 लाख रुपए और नक्सली सामग्री बरामद की। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट।